हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम बात करेंगे नमक के प्रयोग दिलाएं आपको हर संकट से मुक्ति। आज हम नमक के बारे में जानेंगे। नमक कई प्रकार के होते हैं, सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व माना जाता है। नमक को राहु का प्रतीक भी माना जाता है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन सकता है। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखना चाहिए, इसे प्लास्टिक में भी नहीं रखना चाहिए। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक नहीं खाना चाहिए। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाते समय पानी में खड़ा नमक मिला लेने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में धन का प्रवाह बना रहने के लिए कांच के गिलास में नमक और पानी मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का बल्ब लगा दें। पानी सूखे तो दोबारा उसको धोकर भर लें। नमक हर तरीके की गंदगी हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक बाथरूम में रखें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इसे हर माह बदल लेना चाहिए। अगर घर में मिला जुला वास्तु दोष है, साबुत नमक हाथ में रखे रहें, फिर इसे वाश बेसिन में डालकर बहा दें। नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की कमी दूर होती है। अपने बेडरूम में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। अगर कुंडली में चंद्र कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक को भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक खाएँ। अगर पति पत्नी में अनबन है तो सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष में एक कोने में रखें, इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।